बच्चों, मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 26 की। चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। 26 एक्स वाई पार्टनर हैं, जिनकी पार्टनरशिप डीड में ये सब चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं कि वो अपना अकाउंट हर साल मार्च में क्लोज करते हैं, और प्रॉफिट कुछ इस तरह से शेयर किया जाता है कि एक्स हाफ लेगा, वाई 1/3 लेगा और 1/6 रिजर्व में जाएगा। तो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम रिज़र्व वो एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ पढ़ रहे होंगे तो रिज़र्व बनाया नहीं जाता, उल्टा ख़त्म किया जाता है। दैट्स वाई मैंने रिज़र्व वाले फ्रैक्शन को क्रॉस लगा रखा है, और जो भी रेशियो है वो एक्स और वाई के बीच में निकाल लिया, 3:2। एंड इवन जो इसमें रिज़र्व दे भी रखा है वो पार्टनर बैठ जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस पर। फिर इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी की पार्टनर डेथ हो तो उसको उसकी कैपिटल दी जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में वाई की डेथ हुई है, वाई की कैपिटल है 6,000। फिर उन्होंने ये भी कहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो है उसका जो प्रॉफिट है वो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे दिया जाएगा। तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 4200 रुपये आया था, वाई का हिस्सा 2/5, और वाई की जो डेथ हुई है वो 31 जुलाई को हुई है या 1 अगस्त को हुई है, तो इसने 4 महीने काम किया। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू इसका हिस्सा इंटू जितने महीने इसने काम किया। याद रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम जो है टाइम पीरियड ज़रूर काउंट करते हैं, इसने कितने महीने काम किया। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स इंटू पार्टनर का शेयर इंटू जितने महीने काम किए, तो वो निकल के आया 560। गुडविल के लिए कहा था इन लोगों ने पिछले 3 साल का एग्रीगेट, एवरेज को नहीं कहा गया, ध्यान रखिएगा कि इसकी जो गुडविल है वो पिछले 3 साल का एग्रीगेट में उसका जितना भी हिस्सा होगा। तो पिछले 3 साल का एग्रीगेट 12600 आया था, उसका हिस्सा 2/5। यहाँ पर 4/12 करने की जरूरत नहीं होती है, यानी गुडविल निकालने के लिए हमें ईयर्स ऑफ परचेज वाले ईयर वाला टाइम तो लेना जरूरी होता है, बट इस साल उसने कितने महीने या कितने दिन काम किया उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से वाई गुडविल आ गई 5040। ठीक है बच्चों, वाई के हिस्से का रिजर्व को पता ही है, 3000 रिजर्व था, तो 2/5 कर देंगे तो 1200 रुपये आ जाएगा। अब वाई का कैपिटल अकाउंट चेक कर लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उसका 6000 वो लिखा गया, उसका ओपनिंग बैलेंस। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से उसका प्रॉफिट लिख दिया गया। बाय एक्स कैपिटल, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर तो एक्स ही था, उसकी गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया। बाय रिजर्व 1200 रुपये आ गया, और उसका फाइनल बैलेंस निकल गया है 12800 रुपये, वो उसके एग्जीक्यूटिव में ट्रांसफ़र कर दिया गया। बच्चों अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कुछ इस प्रकार है। आपको इसमें कहा गया कि विकास, गगन और मौमिता जो है पार्टनर है 2:1 के रेशियो में, फर्म अपना बुक्स जो है मार्च में क्लोज करती है। 30 सितंबर 2014 को मौमिता की डेथ हुई, यानी मौमिता ने इस साल जो है वो 6 महीने काम किया, ध्यान रखिएगा। और फिर उसमें जो है डीड के अकॉर्डिंग उसके डिसीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को ये सब चीज़ें मिलेंगी। कैपिटलाइजर एज पर द लास्ट बैलेंस शीट, जो कि है इसकी कैपिटल इस क्वेश्चन में 60,000। फिर कहा गया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। तो उसने देखिए 60 का 6% 3600 होता है, और आधे साल का निकालेंगे तो आपका जो है 1800 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखा कैसे जाता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन कर दीजिएगा। तीसरी चीज़ कही है उसका प्रॉफिट जो कि निकलेगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, जो कि 45,000 निकल कर आया था, 45,000 इंटू उसका हिस्सा 1/5 इंटू जितने महीने काम किया, तो ये 4500 निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, इसको भी है बाय पी एंड एल सस्पेंस और ब्रैकेट में प्रॉफिट के नाम से लिख लीजिएगा, ये रहा 4500 रुपये। इसकी गुडविल के बारे में कहा गया था कि गुडविल जो निकाली जाएगी वो 3 ईयर्स परचेज और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स तो आप जानते हैं 45,000 आया था, इंटू 3 कर देंगे तो गुडविल आ गई पूरे फॉर्म की, इंटू मौमिता का हिस्सा कर दिया 1/5, तो 27,000 आ गया। कितने महीने काम किया इस साल वो इसमें गुडविल के लिए मैटर नहीं करता है बच्चों, ना ही एक्यूलेट प्रॉफिट एंड लॉसेज में मैटर करती से बातें हैं। ठीक है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, सैलरी के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सब चीज़ों के लिए मैटर करती है, और प्रॉफिट के लिए जो प्रॉफिट निकाला जाता है फॉर द टाइम पीरियड द डिसीज पार्टनर हैज़ वर्क इन द करंट ईयर, जैसे कि यहाँ पर देखिए काउंट किया गया। तो गुडविल आ गई 27,000। सेक्रीफाइजिंग रेशियो देखेंगे तो विकास और गौतम का जो है, विकास और गगन का जो है 1:1 आ जाएगा। तो 27,000 को हम जो पोस्ट करेंगे तो बाय विकास बाय गगन करके 13,500 लिख देंगे बच्चों हम। और फिर हम जो है सारे पॉइंट इसके हो गए। हाँ, इसमें ड्राइंग्स भी दे रखा था इसका ममिता का, तो ड्राइंग डेबिट साइड में आ गया। इंटरेस्ट ड्राइंग को भी पी एन एल सस्पेंस के नाम से लिखा जाता है, 300 रुपये वो खुद ही निकाल के दे रखा था। इसका फाइनल बैलेंस आया 83,000, जो उसे एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया।
तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 कुछ इस तरह का है बच्चों कि 31 मार्च को जो है 2014 को बैलेंस शीट पूजा कुरैशी और रॉस की जो है वो दे रखी है आपको। उसमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं 2.5 लाख, रिजर्व फंड दे रखा है 2 लाख, कैपिटल दे रखी है इनकी 1.5 लाख, 1 लाख और 1 लाख, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट और एसेट साइड में कुरैशी का लोन दिया हुआ है, डेटर स्टॉक और कैश दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, कुरैशी की डेथ हुई है 1 जुलाई को, यानी कुरैशी ने जो है इस साल 3 महीने काम किया होगा, ध्यान रखना 3 मंथ्स, जो इंटरेस्ट निकालने में और प्रॉफिट निकालने में काम आएगा। उसका प्रॉफिट निकलेगा एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स के बेसिस पे। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स निकालेंगे तो वो 42,000 रुपये आ जाएगा बच्चों। 42,000 पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आ गया, इंटू उसका हिस्सा 1/4 इंटू जितने मैंने काम किया, तो ये आ गया 2625। इसको हम बाय P&L सस्पेंस लिख देंगे बच्चों, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दीजिएगा 2625। ठीक है बच्चों, फिर उसने कहा उसकी गुडविल निकलेगी ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, तो पिछले 2 साल के प्रॉफिट जो जोड़ेंगे तो 81,000 आ गया, उसका 1/4 कर दीजिए 20,250 आ गया। और इसको पोस्ट करेंगे बाय पूजा और बाय रॉस, तो बाय पूजाज कैपिटल अकाउंट, बाय रॉस कैपिटल अकाउंट 2:2 में बांट देंगे, तो 13,500 पूजा देगी, 6,750 रॉस देगा। इस तरह से बच्चों ये गुडविल का पॉइंट हो गया। इसमें ये कहा गया था कि जो लोन हमने उसको दे रखा है कुरैशी को वो 1 लाख का है, उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट निकालना है, जो भी आएगा वो, या फिर 4,000 जो ज़्यादा है वो लिया जाएगा उससे। तो 1 लाख उसको इंटरेस्ट दिया और लोन दिया गया था, टू लोन टू कुरैशी या टू कुरैशी लोन 1 लाख, यहाँ लिख दीजिए डेबिट साइड में, उस पर इंटरेस्ट निकाल लिया 6%, 6,000, 3 महीने का सिर्फ 1,500 आता है, तो 1,500 क्योंकि 4,000 से कम है, इसलिए हम यहाँ पर जो इससे इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे वो 4,000 लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था विच एवर इज़ हायर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन वैसे तो सिर्फ टाइम पीरियड के हिसाब से 1,500 निकल के आया, लेकिन हम लेंगे 4,000 क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है ऐसा। ठीक है बच्चों, फिर अंदर जो है रिजर्व फंड दे रखा है, रिजर्व फंड बांट दीजिए बाय रिजर्व फंड, उसके हिस्से का रिजर्व आ गया आपका 50,000, वो यहाँ लिख दिया जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन इसकी कैपिटल लिख लीजिए कुरैशी की, जो कि है 1 लाख, इसका बैलेंस निकाल लेते हैं जो उसके एग्जीक्यूट में ट्रांसफ़र कर जाएगा, देख लीजिए 1 लाख से 1 लाख तो ये कैंसिल ही हो गया, 50,000 और 20,250, 70,250, 72,875, 72,875 आ गया, 172,875 आया वैसे तो, 172,875 में से 1,04,000 माइनस कर दीजिए, 68,875 आ जाएगा, ये इसके एग्जीक्यूटर में चला जाएगा टू कुरैशी इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन 29 कुछ इस तरह से है, ABC पार्टनर है, ए की डेथ 31 मार्च 2018 को हुई है और उसी डेट की आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में द क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एसेट साइड में ऐसा कुछ नहीं जो बांटा जाए, ए की कैपिटल 40,000 है। फिर इसमें कुछ एंट्रीज बनने को कहा गया है, रिवोल्यूशन के पॉइंट भी काफ़ी सारे दे रखे हैं। पहला पॉइंट है कि पेटेंट्स को वैल्यूलेस मान लिया गया है, तो पेटेंट्स ऊपर 8,000 दे रखे थे उसकी वैल्यूलेस हो गए, तो एंट्री बन जाएगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स 8,000 रुपये। फिर उन्होंने कहा कि फर्नीचर को जो है घटाकर 24 कर दो, तो फर्नीचर ऊपर 30 दे रखा था तो फर्नीचर घटाएंगे तो रिवोल्यूशन टू फर्नीचर 6,000 हो जाएगा एंट्री। फिर उन्होंने कहा प्लांट को जो है 10,000 कम कर दो, तो प्लांट में 10 का नुकसान हो रहा है तो रिवोल्यूशन टू प्लांट 10,000 आ गया। फिर उन्होंने कहा कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड की लायबिलिटी जो है वो 7,000 है, ऊपर जो WCF दे रखा था 10,000 था, तो 10,000 में से 7 लायबिलिटी में चला गया, बचा हुआ 3 पार्टनर बढ़ गया इक्वली, बिकॉज रेशियो 3 ही रखा तो इक्वल मान लिया। ठीक है बच्चों, आपसे बस एंट्रीज ही मांगी गई थी, तो देखिए अब वैसे तो एंट्री सारी कंप्लीट हो गई हैं, तो हमने जनरल रिजर्व और P&L बांट दिया पार्टनर बट में 9,000 6,000 इकट्ठे बांट दिया मैंने,
तो इस तरह से आपका 15,000 बांट दिया तो 5,000-5,000 तीनों का आ गया। रिवोल्यूशन का लॉस ही देखेंगे तो 24,000 आ गया, क्योंकि आप देखिए रिवोल्यूशन में सिर्फ डेबिट ही हुआ है 8, 6, 14, 10, 24,000, 24,000 के लॉस को बांट दिया 8,000 आ गया। फिर जो पार्टनर की डेथ है उसका फाइनल बैलेंस उसे एग्जीक्यूटर में डाला जाएगा। तो उसका फाइनल बैलेंस कैसे आया समझिएगा, एक ही कैपिटल है 40,000, 5,000 जनरल रिजर्व और वो मिला कर आया था 45,000 हो गया, 1,000 WCR का मिला था 46,000 हो गया, 8,000 रिवोल्यूशन का लॉस था तो ये 38,000 निकल के आ गया इसका फाइनल बैलेंस, जिसकी एंट्री बनाई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट 38,000। इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन 29 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।